ताने जवानी के खाता राता पोती के चलना याला करता रा। अच्छा ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, सो इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब वीडियो की शुरुआत में आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये कौन है। हा? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। चलो भाई, अब इस सीन में आप लोगों को पेड़ पे वो लाश दिख रही है। हा? मतलब भाई ऐसे कोई लाश कैसे टांगता है भाई, और सच बताऊं तो मुझे ये लाश असली भी नहीं लग रही है। हा? खैर ये तो काफी ठीक है, वीडियो में एक जगह मैंने एक ऐसी लाश को दिखाया है जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि वो असली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए अगली मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब इस सीन में जब ये गाड़ी आती है तो गाड़ी के पिछले सीट से ये ऑफिसर्स उतरते हैं। लेकिन भाई मुझे ये बताओ कि गाड़ी तो अभी आई है और गाड़ी में कोई ड्राइवर है ही नहीं। हाँ? बात तो सही है। तो क्या ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी? हाँ? भाई मुझे तो नहीं लगता कि कोई गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है। बात तो सही है। खैर अब ये तो आप लोगों के ऊपर है, चलिए नेक्स्ट मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई। दुपट्टा संभलता नहीं। लेकिन एक मिनट, दुपट्टा तो इसके ऊपर है ही नहीं। हाँ? नहीं मतलब भाई किसी भी चीज की हद होती है यार। आप लोग इसके कपड़ों को देखिए और खेसारी जी कहाँ दुपट्टे की बात कर रहे हैं। हाँ? बात तो सही है। अब इस चीज के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब इस सीन में जब ये बड़ा सा गेट खुलता है तो आप लोगों को नीचे एक किसी बड़े आदमी का हाथ दिख जाएगा, और आप लोगों को लग रहा होगा कि वो खेसारी जी का हाथ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? क्योंकि जब गेट पूरा खुल जाता है तो ये क्या, खेसारी जी के एक हाथ में तो एक लड़का है और दूसरा हाथ उनका काफी पीछे है, तो खेसारी जी तो ये गेट बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। और ये जो हाथ दिख रहा है ये बच्चों का भी नहीं लग रहा। तो कौन है वो शख्स जिसने इस गेट को खोला है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे वाह, खेसारी जी ने क्या परफेक्ट निशाना लगाया है। खैर आप लोगों को ये लड़का इस चश्मे में कैसा दिख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा हमको सिखा दिया है। अब बात करते हैं उस सीन की जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए। नहीं मतलब किधर से देखने पे आप लोगों को लग रहा है कि ये जो लाश है ये असली है? नहीं मतलब भाई थोड़ा सा तो खर्च कर लेते VFX पे, या फिर किसी असली आदमी को ही लेटा देते। हाँ? बात तो सही है। और मक्खी तो ऐसे लग रही है जैसे कि वो कोई दाल चावल है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग केवल एक लाश को देखने आए हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये लड़का इस पुलिस ऑफिसर को क्यों देख रहा है? हाँ? और केवल वो ही नहीं, यहाँ पे जितने आदमी हैं सब अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग एक ही लाश को देखने आए थे, तो क्या यहाँ पे बहुत सारी लाशें हैं? हाँ? अब खेसारी इस बार में आते हैं और यहाँ पे फाइट करने लगते हैं, और जरा आप लोग उस बार के ओनर को देखिए, वो भी सोच रहा होगा कि क्यों ही मैंने इसको यहाँ पे आने दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इन लोगों की पढ़ाई हो रही है, पर भाई यहाँ पे केवल लड़कियाँ ही हैं। हाँ? और बस एक ही लड़का है। पाँ? चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वो अकेला लड़का फोन लिया है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं, क्या लड़कियों के पास फोन नहीं होता है ये दिखाना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि लड़कियों के पास फोन नहीं होता है। पाँ? बात तो सही है। अरे बाप रे, ये आदमी तो इसके सीन में पूरा चाकू घुसा दिया है। हाँ? नहीं मतलब भाई थोड़ी सी शर्म करो, कम से कम चाकू तो पूरा अंदर घुसा देते, केवल नोक से खो रहे हो कभी से। अब इस सीन में खेसारी जी घर पे ही छत पे जाके जिम करने लगते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या खेसारी जी के पास किसी जिम में जाने के लिए पैसे नहीं है? हाँ? या फिर वो पैसा बचा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा अब इस सीन में हमें यहाँ पे कुछ साधु दिखाई देते हैं, लेकिन भाई कोई अंधा व्यक्ति भी इन्हें देख के पहचान लेगा कि ये कोई साधु नहीं है। हाँ? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। खैर इस वीडियो में बस इतना ही, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।